खबर रोहतास जिला के करगहर से है, जहां एक अनोखी साधी चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल रोहतास जिला के करगहर थाना क्षेत्र के इस्लामपुर गांव के कृष्णा चौहान का पुत्र दीपू कुमार उत्तर प्रदेश के गाजीपुर की नवली गांव के स्वर्गीय नारायण चौहान की पुत्री से बीते कई सालों से प्रेम करता था। जब दोनों का प्रेम परवान चढ़ा तो दोनों एक दूसरे से छुप छुप कर मिलने लगे, लेकिन जब युवती 2-3 महीने की गर्भवती हो गई तो युवक शादी से इनकार करने लगा। मामला बढ़ता देख युवती के परिजनों ने करगहर थाने में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई। वहीं पुलिस आरोपी युवक को हिरासत में लेकर थाने लाई। उधर लड़की पक्ष भी लड़की को लेकर थाने पहुंच गया। थाने पर ही दोनों पक्ष द्वारा कई घंटे तक चली आपसी समझौते के बाद दोनों पक्ष शादी के लिए राजी हो गए, जिसके बाद करगहर थाना के पास स्थित शिव मंदिर परिसर में हिंदू रीति रिवाज के साथ दोनों की शादी हुई। वहीं शादी के दौरान करगहर गांव के लोग ही बराती और वर वधु पक्ष बने नजर आए। लोगों ने इस अनोखी शादी से खुशी जताई और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर इस अनोखी शादी का आनंद भी लिया। बताया जाता है कि दूल्हा दीपू की बहन की शादी गाजीपुर नवली में ही युवती के मामा से हुई है। इसके बाद दोनों में प्रेम हो गया और प्रेम इस कदर आगे बढ़ गया कि बात शादी तक पहुंच गई। फिलहाल यह शादी क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। क्या शादी हुआ है? ये शादी दो लड़का लड़की था, इसमें दोनों को राजा मंदिर से दोनों आपस में प्रेम कर रहे थे और दोनों ही अपने मन और विचार से शादी किए हैं और इसमें हमारे पूरे समाज मिलकर के मंदिर के शिव मंदिर के पास उनकी शादी कराई। मामला यह है सर कि मेरा पहले से वो अच्छी था एकर था, वह अपना रिश्तेदार रहता था जिला गाजीपुर उत्तर प्रदेश में नवली रहता था, वहीं से हम रहते हैं छोटे पर, वहीं उसका बहन का शादी हुआ है मेरे मामा से, वहीं पर रहता था संबंध था। तो फिर मालूम चला कि ऐसा ऐसा बात है तो हम लोग फिर बोले कह रहे हैं कि नहीं जो कर रहा है कर लीजिए, उसको कंप्यूर दे रहे थे तो हम लोग आए तो आप केस उस किए हैं तो इस हिसाब से आए हैं कि आप समझौता में अपना मिला के और शादी उदा कर लीजिए। समझौता मान गए हैं, शादी उदा करने के लिए तैयार हो गए।